मेरे को वो बड़ी पसंद है, वो ना आशीष चंचलानी की स्टोरी बड़ी रिपोस्ट करती है, एक टीवी सीरियल में आती थी उस टाइम पे ना। मैं भी नाम ढूंढ के बताऊंगा, तब तक आप लोग कंटिन्यू करो। कौन थी कौन अभी थी? नाम ढूंढ के ला रहा हूँ। आशीष चंचलानी फॉलो भी तो 900-1,000 लोगों को करता है यार। अरे अभी कहाँ ढूंढने बैठोगे वो यार लक्ष्य भाई। यार लक्ष्य भाई आप ही है क्या कोई लव लाइफ में? नहीं यार, कोई नहीं। अभी अक्टूबर मूवी देख के मैं बड़ा इमोशनल हो रहा था यार। अक्टूबर क्या मूवी है? अरे वरुण धवन की है ना अच्छा मैंने देखी नहीं, अभी आई ना क्या? ना 2018 में आई थी। मैंने नहीं देखी भाई, किस बारे में वो? हाँ, उसमें कुछ बीमार पड़ जाता है, ऐसा मतलब कुछ है एक ना। लव स्टोरी तब स्टार्ट है जब लड़की कोमा में चली जाती है, फिर वो मर जाती है, उसके ऊपर है वो। वहां से शुरू हाँ, होती है जब वो स्टोरी, कोमा में चली जाती है वहां से शुरू होती है। नेक्रोफिलिया के बारे में क्या ये? अगर उस कहानी शुरू ही वहां से हो रही है, मतलब यूजुअली वहां पे खत्म होती है कहानी यार। देखनी पड़ेगी मूवी अब। देखना, बढ़िया मस्त मूवी है। मैंने डिसाइड किया था अक्टूबर में ही देखूंगा। अक्टूबर अरे वाह मेरे भाई लक्ष्य भाई, यू आर इनवाइटेड टू द बर्थडे पार्टी। हाँ कब है? 26 अक्टूबर को मैं गोवा में प्लान कर रहा हूँ बर्थडे पार्टी करने की। चलो भाई, डन सीन है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली ना साहिल अभी से इनवाइट करना शुरू कर देता हूँ, लाकि लोग फ्री रहें भाई, सब मजा आएगा भाई। हाँ, ऐसे 40-50 लोग मिलके ना बड़ा सा एक ले लेंगे कुछ। बड़ा सा ले लेंगे कुछ। अरे मतलब हवेली टाइप यार। ऑर्जी करने नहीं बुला रहा हूँ मैं लक्ष्य भाई। कि बर्थडे पार्टी पे केक सबको मिल रहा है ऐसा नहीं है। क्या हंस रहा है साहिल? नहीं रे, कुछ नहीं। विला को हवेली पहली बार सुना मैंने बोलते हुए किसी अरे विला से भी बड़ी होती है ना, 50 लोग आ पाएंगे किसी घर में? 25 बेडरूम तो लगेगा अपने को। अरे ब्रो, तो ऐसा कर सकते हैं कि वो जो रो हाउसेस टाइप होते हैं ना, तो 3-4 साथ में कर लेंगे ऐसे। अरे मैं ये एक कर लेंगे। विला का नंबर दूंगा मैं, उसमें क्या है ना, 4-5 विला लाइन से, मतलब 10 विला है टोटल, लेकिन आप 2-3 एक साथ बुक कर लो अगर इतने सारे लोग हैं। अरे ऐसा कुछ ढूंढ लूंगा मैं डील कि भाई सब अलक्ष्य चौधरी आ रहा है, समरन आ रहे हैं, हम लोग स्टोरी डाल भाई देंगे, गोवा उनको वाले फ्री बोल में देते मिल हैं गांड जाएगा। मराओ, गोवा वाले सीधा बोल हाँ देंगे। भाई, हाँ भाई, गोवा वाले एक्चुअली गांड मराओ बोल देते हैं, हाँ भाई लिटरली बोल देते गांड हैं भाई। ना ना भी तो बोल सकते हैं वो लोग यार, गाड़ मराओ क्यों बोल देते हैं वो यार। ये तो थोड़ी अभद्र भाषा यूज करते हैं गोवा वाले फिर जरूरत ही नहीं है ना प्रमोशन की, वैसे भी लोग आ रहे हैं भाई। वहां इस पे। सीजन में तो उनके टट्टे भारी हुए रहते हैं ना वैसे भी। अरे हाँ भाई ये भी तो है, सीजन में भी जा रहे हैं हम तो भाई। बड़ा मेरा डंडा पड़ने वाला है बर्थडे पे, तो बर्थडे बम्प्स तो मेरे को ही पड़ने वाले हैं SBI से। कोई नहीं भाई, कोई नहीं भाई, अभी 823 पोकर बेच के मस्त पैसा कमाया मैंने भाई। बेस्ट बेस्ट एंगेजमेंट बढ़ा और एक डाल रील बड़ी गाली पड़ती है भाई आजकल ब्रांड वर्क करने में ना यार। भाई। हाँ भाई, एक तो वो था भी वैसा वाला ब्रांड वर्क ना, जिसमें एकदम ही मेरे को ऐसा करना था, वाओ। लक्ष्य भाई आपने बेचा है कभी कुछ अजीब सा? कैसे कैसे विन जूई ऐसा कुछ तो, नहीं यार, एक्स बेट्रा। नहीं, मुझे उसका नाम याद आ गया, उसका एक्ट्रेस का ना आंचल मुंजल करके है, अच्छा, आंचल कोई मुंजल। नहीं पहचानता यार। भाई नहीं भाई देखूंगा शक्ल तो शायद पहचान। पता है क्या हुआ? हाँ मैं भी गूगल ही कर हाँ रहा हूँ। पता है हाँ क्या हुआ, मैंने ना उसको टेक्स्ट किया था 2020-21 में, जब थोड़ा यूट्यूब पे फॉलोअर्स वगैरह हो गए थे ना, ऐसे फॉलो करके कि ऐसे वैसे तुम क्रश थी मेरी। अब क्या हुआ, तब तक मेरे को पता था कि अनसेंड का ऑप्शन है, कभी कुछ लगा ऐसा तो अनसेंड कर दूंगा। अब ना एकदम से, अभी मैंने देखा 1 हफ्ता पहले ना, एक नया फीचर आया है इंस्टाग्राम में, कि अगर आपने एक मैसेज कर दिया ना किसी को, जब तक वो अलाउ नहीं करेगा आप ना अनसेंड कर सकते, ना चैट शुरू हो सकती, कुछ नहीं हो सकता। हाँ, क्या और बाप रे, मैं उस मैसेज को देख के मैं सोच रहा हूँ बेंच, इसने अगर स्क्रीनशॉट ले लिया ना कभी। तो ठीक है, क्या ही लिखा था हाँ उसमें मतलब आपने? तो लिखा ऐसे ऐसा लिखा था, पर वही होगा है, क्रीप वाली बात हो जाएगी। उसमें, ऐसा तो नहीं था हाय 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 4-5 रुपए नहीं, भेजे थे, एक ही था, बहुत बड़ा रिप्लाई मैसेज। कर बैम। क्या क्या लिखा था? बहुत बड़ा मैसेज भाई, कि हाय यू आर माई ओ क्रश, ये वो फलाना ढिमकाना। भाई लग जाए भाई, अभी तो रुको मैं एक DM डालता हूँ उसको कि हे कैन यू सेंड मी वन स्क्रीनशॉट प्लीज। अभी ऐसा हो गया भाई, अगर किसी को डीएम कर देते ना इंस्टाग्राम पे, तो
तो अब ना अपन सेंड कर सकते कुछ नहीं जब तक वो बंदा चैट देख के उसको एक्सेप्ट ना कर ले। हाँ थैंक्स भाई बताने के लिए. हाँ साहिल काले को बचा लिया आपने भाई। अरे यार भाई मैं तो कभी कर ही नहीं पाता किसी को डीएम ऐसे यार। नहीं, मैं भी नहीं, मैं तो जोक के लिए बोल रहा था बस. अनसेंड करना भाई. हाँ लक्ष्य भाई आपने आपका क्या रहता है मूव क्या रहता है भाई। लड़की के साथ हाँ तो लड़के के साथ थोड़ी ना रहेगा। कुछ मतलब कुछ नहीं यार, मतलब 1-2 साल से तो मैं थोड़ा कॉन्शियस हो गया हूँ बहुत ज्यादा ना. मतलब मेरे को ऐसा लगता है यार हर कोई स्क्रीनशॉट ले रहा होगा, स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा होगा. तो ऑनलाइन तो मैं कुछ करता ही नहीं, और क्लब व्लब में भाई गांड फट जाती है क्योंकि क्लब में कौन से क्लब में जा रहे हो फिर आप ऐसे गे क्लब में जा रहे हो क्या भाई कब गांड क्यों पड़ जा रही है वो क्लब में। क्लब वगैरह में यार आपको मतलब बहुत ज्यादा समझ रहे हो ना, उस टाइप के लड़के आते हैं वो एकदम आगे की हाय कैन वी गो आउट, ये वो कैन वी गो ऑन अ लॉन्ग ड्राइव, इस तरह. मतलब इतना तो नहीं कर सकता भाई मैं कभी भी, इतना तो दम नहीं है भाई. और जिम वगैरह अंडर प्ले तो कर रहे हो, लेकिन आपको भी तो आते होंगे ना डीएम वीएम, तो आते ही यार मैं होंगे. डीएम देखना बिल्कुल ही बंद कर दिया, अब देखता ही नहीं हूँ बिल्कुल भी। पर अब प्लस अपने ऑडियंस के साथ इज ऑलवेज अ बैड आइडिया ना हाँ यार। मतलब मेरे को वही वाली बात बता रहा हूँ ना मैं, कि 2019-20 में मेरे रिप्लाईज मिल जाएंगे दुनिया भर के लड़कों को लड़कियों को सबको कर देता था मैं, लेकिन उसके बाद मतलब 21 के बाद तो अब बिल्कुल ही. एक तो ट्रस्ट इशू बहुत हो गया यार, जब क्रिएटर्स ने चोट मचा दी कि स्क्रीनशॉट लिया इधर से उधर भेज दिया, तो मेरे को ऐसा लगता है लोग बहुत स्क्रीनशॉट लेते हैं बहुत ज्यादा, तो नहीं लेता मैं. और पता है लोंडे कैसे करते थे, जैसे किसी लड़की को रिप्लाई कर दिया ना, फिर मैं इनबॉक्स में घुसा ही रहता था, उसके बॉयफ्रेंड का रिप्लाई आ रहा है कि बहन के लौड़े हमें तो किया नहीं 1 साल से तो मेरे को थोड़ा अजीब लगने लगा. अच्छा था ये होता था क्या कि देखो जब मैसेज आते थे बहुत सारे तो यू वुड ओनली रिप्लाई टू हाँ भाई दिस बहुत बार हुआ वंस है. बढ़िया तो अब खोलना ही बंद कर दिया मैंने, रिक्वेस्ट में खोलता ही ना मैं कमेंट्स देखता, कमेंट्स तो क्योंकि ऊपर शिफ्ट हो गए, और रिक्वेस्ट में खोलता ही नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है रिक्वेस्ट खोलोगे किसी ने कुछ उल्टा सीधा भेज रखा हो या बोल रखा हो, फिर ज्यादा दिमाग खराब होता है उसको पढ़ के. हाँ मैं तो जब भी रिप्लाई करता हूँ तो मैं रेशियो मेंटेन करता हूँ। अगर एक लड़की को रिप्लाई दे रहा हूँ तो मैं लड़के को भी देता हूँ फिर। पर लड़के का वही रहता है मेरे को मैसेज भोजडी के स्ट्रीम कर ले। लड़कियों का फिर भी स्वीट मैसेज आ रहता है कि यू नो यू हेल्प मी थ्रू अ टफ टाइम एंड आई लाइक योर कंटेंट ऐसे कभी नाइस कभी आइज। कैंसर पेशेंट वगैरह का है ऐसे मैसेज अभी आया था तू आया नहीं इधर 4 घंटे से क्या चल रहा था तेरे को पता नहीं भाई। एक बंदा आया था वो ना चल पा रहा था ना हिल पा रहा था भाई। एग्जैक्टली पूछा नहीं उससे मुठूट मारता भाई नहीं यही पूछा कि मैंने मेरा पहला सवाल ये था नहीं. और उसने कहा हाँ तो फिर मैंने कहा मैन विल बी मैन। लेकिन मतलब मजा आया लाइक। हाँ कैंसर पेशेंट का भी आता है मेरे को वो वाले बहुत आने लग गए हैं आजकल की समय भाई हेल्प मी थ्रू डिप्रेशन नहीं है मेरे को वो. एक नहीं नहीं प्लीज हेल्प मी एक अच्छा मेरे को मैसेज आया था अभी समय भाई प्लीज हेल्प मी मैंने 40,000 रुपये भाई सट्टे सब में पे लगाए थे आते हैं ये, वो दबा के आते हैं तो दबा के आते हैं. मेरे को इतना फनी आया था। लेकिन कहता है मैंने 40,000 रुपये सट्टे में लगाए थे मैंने खो दिए समय भाई। फिर मेरे दोस्तों से मैंने पैसे उधार मांगे वो भी मैंने खो दिए और फिर मैंने मम्मी पापा ने जो फीस दी थी उसका भी मैंने डाला और वो भी खो दिया। मैं टोटल 80,000 रुपये के कर्जे में हूँ आप प्लीज मुझे बस 20,000 रुपये दे दीजिए मैं उसको 80 बना के सब ठीक कर दूंगा समय भाई। मैं कहा मारचोद जब तेरी इतनी खराब ट्रैक रिकॉर्ड है तो 80 मांगा मारचोद भाई मेरे पे इनके अभी भी आते हैं जो सट्टे लोन ऐप का होती है ना, ये न्यूड्स व्यूड्स लीक कर देती है, जो हाँ इनके बहुत मैसेज आते हैं भैया प्लीज सेव अस ये वो. मैं बोल देता हूँ मैंने भाई साइबर क्राइम में रिपोर्ट कर दो, और क्या करें. भाई मेरे साथ हुआ था यार मैं पता नहीं बताया था कि नहीं। देखो मेरे को रैंडमली बैंगलोर में हुआ था यार ये। मैं शो से निकल रहा था मेरे फोन पे एक वीडियो कॉल आ गई भाई मैंने उठाई और एक लड़की ने अपने कपड़े निकाल दिए उस पे अच्छा और उस पे फिर पीछे ना वो आवाजें लगी देख भाई देख 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 ध्यान से देख। और फिर मुझे रियलाइज हुआ ओ ये कोई बंदा मेरी रिकॉर्डिंग लेने की कोशिश कर रहा है ताकि मुझे बाद में हरास करेगा कि तू ये देख रहा था। तो मैंने फटाफट उंगली लगा दी कैमरा पे फ्रंट कैम पे। अरे भाई मैं तो उठाता ही नहीं भाई अननोन ऐसे वीडियो कॉल. मैं नोन से नहीं करता भाई, अननोन तो दूर की बात है.
अरे मेरा नंबर वो है ना, मेरा फोन डिलीट हो गया था सारे कॉन्टेक्ट, तो अब मेरे को सेव नहीं किसी का नंबर, तो कई बार कोई जान पहचान के लोग भी करते हैं अननोन से कॉल, तो वो सब इशू आ जाता है मेरे को। भाई इतना फ्रैंक रखना ही क्यों किसी को जो सीधा वीडियो कॉल ही कर रहा है। भाई मैं सीधा वीडियो कॉल करता हूँ, आई एम दैट गाय। मेरे को लगता है बात, असली बात वीडियो कॉल पे ही होती है। यार मेरे को इतने ट्रस्ट इशू हो गए ना पिछले एक साल में, मैं किसी को वॉइस नोट तक नहीं छोड़ता। मतलब मैं किसी ब्रांड को वॉइस नोट पे बात नहीं करता, मुझे ऐसा लगता है बहन जो बाद में कुछ बात बिगड़ गई है वॉइस नोट इधर उधर कर देंगे, क्योंकि इंटरनेट को इतना जब से देख लिया ना भाई, क्या क्या लीक हो रहा है भाई इंटरनेट पे। हाँ, तो कुछ भी हो सकता है, बट वही है भाई, जब तक है मेक हे व्हाइल द सनशाइन, ट्राई टू बी सेफ, व्हाट एल्स, वही है ना भाई, इंटरनेट का बीइंग पॉपुलर का ड्रॉबैक्स। बट आई एम श्योर आपने और भी काफी कुछ किया है इंटरनेट पे, कैसे जिसका हो गया, आउटरीच खत्म भी हो गया है। नहीं मैं समझा नहीं, वो देखा था मैंने कुछ पंचर वाला, पता वो दानिश वाला कि नहीं कुछ तो मैंने देखा था यार। अरे टिकटॉकर ही तो था भोसड़ी का। भाई वो मेरे को वाला, सब वो भेज वाला। रहे, वो 2019 में ना मैं इंस्टाग्राम लाइव कर रहा था, 2019 की बात है वो, और वो तब मैं ऐसे ही भाई, तब तो इतना ध्यान नहीं था कि ऐसा ये सब नहीं बोलना चाहिए, मैंने बोल दिया, किसी ने स्क्रीन रिकॉर्ड कर लिया। भाई मेरे अगेंस्ट ना किसी को कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता, उठा के वो डाल देते। और अब तो वो डैंग मीम पेजेस पे इतने, मेरे को आज सुबह हर्ष बेनीवाल ने भेजा पहले वो, फिर राउंड 12 वाले एक बंदे ने भेजा, वो जो तीन बंदे हैं। तो वही है ना कि कल को अगर लक्ष्य तेरा कोई वॉइस नोट लीक भी हुआ ना, तो लोग बोलेंगे हाँ ठीक है, इससे क्या ही उम्मीद कर सकते, देख इसने क्या बोला था और इधर। तुम्हें ना मतलब इतना तगड़ा एक इंसिडेंट बताता हूँ दानिश के बारे में, मैंने ये सब बोला 2019 में, ये 2020 में बहुत फटा। और मतलब दानिश के भाई ने मेरे ऊपर वीडियो बनाई, उसका भाई है गुफरान, उसका सगा भाई, उसने मेरे ऊपर वीडियो बनाई, उसके पूरे गैंग ने वीडियो बनाई कि एक जहां मिल गया मुंबई आया, कभी इसको देख लें ये वो। फिर क्या हुआ, पिछले साल हम मैं बताया था ना हम थाईलैंड गए भाई, फुके मार्केट में मैं जूते खरीद रहा था, मैं जूते खरीद के पीछे मुड़ा, गुफरान उसका भाई मेरे को हाय बोल रहा है, हाय लक्ष्य भाई कैसे, ओ देखो फक, कहाँ जाओगे, मुझे वो बंदा मिला, मिला फिर क्या कुछ हुआ? नहीं हंस बोल के बात करके चला गया, अरे भाई बढ़िया काम कर रहे हो ये वो। और उसने जूता देख लिया होगा तेरे हाथ में ना, इसलिए। तो तब मेरे को रियलाइज हो गया कि यार लोग ज्यादातर बस बोलते बोलते हैं, मतलब सामने ना कुछ, मैं कोई कुछ नहीं करता सामने, और जबकि मैं अकेला था, वो चार बंदे थे एक साथ। हाँ, मतलब इंटरनेट पे बोलना तो सही रहता है, इजी रहता है, बट आई एम श्योर उसको भी हर्ट हुआ ही रहेगा यार, तूने उसके भाई के बारे में ऐसे बोला था तो। बट यार गुस्सा तो शांत हो जाता है लोगों तीन का वो साल टाइम। बाद की बात है ना वो। हाँ, इंटरनेट पे तो क्या क्या चीजें हो गई। अभी उसका देखना क्या चल रहा है, वो कुल्हड़ पिज्जा वाले का भाई वो तो गलती वीडियो था, मतलब देख लिया क्या तूने? हाँ मेरे पास आया, मैंने ऐसे फॉरवर्ड वगैरह नहीं किया ना, मैंने उसके बारे में बातचीत की किसी से, मैंने बल्कि ट्वीट भी किया था कि यार ऐसे मत फॉरवर्ड करो, बट वो पर देख लिया तूने लेकिन। हाँ, मतलब आ गया था तो मैं प्ले करके देख लिया भाई। गंदा आदमी है तू यार। लेकिन वो ना मतलब वो वीडियो ना दिख रहा है कि वो उस इंटेंशन से बनाया गया है किसी को भेजने के। नहीं भाई, मुझे लगता है कि उसने अपने पर्सनल स्पेस में बनाया था, और ऐसे ही कुछ लोग को किंक रहता है, पता है क्या रहता है कि कुछ लोग ना, जैसे मैं भी जानता हूँ कई लोगों को जिनने अपनी सेक्स टेप बना के रखी है जस्ट फॉर देयर ओन पर्पस, ओहो उनको मजा आता है बाद में देखने में, फिर ये सब करने में। तो उसने आई थिंक वैसा कुछ अपने पर्सनल के लिए बनाया होगा, और उसने कहीं फोन दिया रहेगा रिचार्ज करने को, कुछ यार, करने को रिपेयर वगैरह पे दे उसने। देता है हाँ, वो बेचारे के साथ बहुत गलत हो गया भाई। यार। पता है मेरे को ना, मतलब मेरी इतनी गांड फटती है, मेरे पूरे फोन में कोई फोटो हिडन ऐप नहीं मिलेगी, मेरे जो गैलरी हिडन गैलरी है ना उसमें सारी फोटोज जितनी मिलेगी वो हमारी पार्टी की फोटोज मिलेगी, बाकी नॉर्मल गैलरी में पड़ी है सब, कहीं पे भी एक भी फोटो नहीं है किसी की ऐसी। क्योंकि एक बार क्या हुआ ना, मेरी गांड तब फटी पिछले साल, मैं नहाते हुए ना फोन अंदर ले आता हूँ बाथरूम में गाने बजाने के लिए, तो मैं ऐसे ही नहाते हुए बीच में गाने बदलने आया भाई, उस पे एक बूंद टपक गई, वो और वीडियो कॉल हो गई। कैमरा खुला, इसका इंस्टाग्राम की स्टोरी पे गया, वो फोटो खिंच गई, मेरी गोंड फट गई, मैंने बहनचोद क्या हो गया भाई। और एक बूंद गिर जाती तो खत्म वो हो चल जाता है। जाता है ना खुद ही, चलना शुरू हो जाता है वो भाई मेरी, हाँ, क्योंकि वो रिसेंट ऐप में इंस्टाग्राम खुली हुई थी, मेरी गांड फट गई। मैंने कहा अगर ये फोटो पोस्ट हो जाती ना, मतलब मुझे ये डर नहीं था किसी के पास चली जाती, मुझे डर था मेरा इंस्टा डिलीट हो जाता भाई न्यूडिटी में। हाँ भाई, भाई दो बूंद जिंदगी बराबर,
ठीक भी कर सकती है और खराब तब से तो भाई मैंने नहाते हुए पोटी करते हुए फोन ले जाना बंद कर दिया भाई। नहीं नहीं मैं ऐसे मैंने ना अभी तक लाइफ में मैंने कभी किसी को डिक पिक नहीं भेजी पता इसी चक्कर से। अरे उसका एक सॉल्यूशन है, मैं कॉलेज में करता था ये। मैंने ना एक गे वेबसाइट अच्छा। से एक ही बंदे की चार पांच तरफ से फोटो ले रखी थी तो कोई मांगता भी था तो भेज देता। अरे तो भाई पॉइंट वो नहीं है ना कि तेरा डिक है कि नहीं, पॉइंट है कि तूने अगर भेजी हो कभी किसी को डिक पिक तो वो स्क्रीनशॉट लेके डालेगी कि भाई देख इसने मुझे भेजी थी ऐसे करके। अब थोड़ी ना तू कल दिखाएगा नहीं दोस्तों देखो मेरा लौड़ा ये नहीं है, ये मेरा कलर का नहीं है। तो एक बार दैट इज द पर्पस, ये नहीं कि भाई मेरा तो मेरा थोड़ी था लौड़ा, ये थोड़ी है पॉइंट। पॉइंट ये है कि तूने किसी को भेज दी तो उसकी तो गांड पड़ जाएगी ना देख के, और वो तो कल को कुछ भी बोल सकती है कि उस अपना मैसेज हटा के कि देखो लक्षण है ऐसे ऐसे भेजी थी मेरे को। मुझे ना कुल्लड़ पिज्जा वाले सीन के बाद ना मेरे को एक चीज मैंने रियलाइज की, मेरा सोलो कुछ भी हो जाए, कोई पुरानी 2018-19 वाली चैट लीक हो जाए, कोई फोटो लीक हो, मतलब मेरा बैंच न्यूड फोटोशूट लीक कर दे कोई, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि मैंने ये रियलाइज किया लड़कों की सब तफरी लेते हैं, मतलब अगर तुम्हारी भी न्यूड लीक होगी ना हम तफरी लेंगे बस अपने ग्रुप में, देख भाई समय कैसे भेज रहा था देख रहा बैंच है ना इस तरह। बट जब अगर तुम्हारी और तुम्हारी बंदी की लीक हो जाए ना तो मैं तुमसे कभी कुछ बोल पाऊंगा ना तुम्हें सहानुभूति दे पाऊंगा, तुम्हें ऐसे भी तो नहीं कर पाऊंगा ना यार चिल भाई कोई बात नहीं क्योंकि मैंने कहा यार उसको लेगा इसने भी देख ली, तो कुछ भी नहीं कर सकते यार। बहुत फर्क हो जाता है वो ऐसे। सोलो इजी है यार, सोलो में कोई दिक्कत नहीं है। Yeah, and I think as a woman it's more difficult लड़की के लिए दिक्कत है यार। मैं मुझे अगर मेरी अभी कोई गलती से भी लीक हो जाए, कोई होटल के कैमरा से कोई खींच खांच के भेज दे न्यूड, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक दो दिन सब तफरी लेंगे। हाँ तेरे से नुकसान तो देखने वाले को होगा आई थिंक। तो वही है ना अगर लक्ष्य को मैंने नंगा देख लिया ना तो मेरे को लगता है मेरा ही नुकसान, और शेयर भी नहीं होगी ना, शेयर तो नहीं होगी भाई इसके बाद। तो वही वाली बात है कि सब तफरी में निकाल देंगे, बट लड़की वाले सीन में यार बहुत उल्टा, मतलब मुझे ना जो बुरा लग रहा था कुल्लड़ पिज्जा वाले सीन में उसकी वाइफ के लिए बहुत, भाई उसको बच्चा हुआ उस दिन, बच्चा हुआ यार वही तो बहुत सैड था यार, मुझे बड़ा खराब लगा उसके लिए ना, वरना बहुत सैड। अब उसके दोस्त जब बच्चा भी स्कूल जाएगा एक दिन भाई लोग क्या क्या कॉमेंट कर रहे हैं, मतलब वो कॉमेंट पढ़ के बहन जो मेरी गांड फट गई भाई, बहुत बहुत सैड है यार। आई जस्ट होप कि वो लोग, मतलब उनकी मैंने एक वीडियो देखी बाद में, नॉट द वन दैट यू वॉच, वो बंदा जो रो रहा था नहीं नहीं उसके बाद अभी रिसेंटली, तो उसमें ऐसा लग रहा था कि भाई वो लोग लड़ रहे थे किसी दुकानदार ने कुछ बोल दिया था, तो उसमें लग रहा था कि ओके दे बोथ हैव गॉट ईच अदर्स बैक, बट आई होप दे डोंट टेक एनी स्टूपिड डिसीजन मैन। लाइक ऐसे वक्त में ना भाई बहुत सुसाइडल थॉट्स आते हैं लोगों को। वही 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 मैन शोड बड़ा ही, तो हाँ तो इस पे बिस्वा का एक जोक हुआ करता था डिक पिक भेजने पे, कहता उसने अपने स्पेशल में भी डाला था शायद कि अगर डिक पिक भेजनी है कभी किसी को तो गूगल ड्राइव लिंक भेजो क्योंकि उसमें, और उस पर लिख दो डिक पिक क्योंकि उसमें कंसेंट है कि उसको पता है कि अच्छा ये खोलूंगी तो डिक पिक है तो खोलेगी या नहीं खोलेगी, सीधा डिक पिक मत भेज दो। कितना सही थॉट है भाई बताओ, ये फोटो तो फिर भी चली गई ना, ये तो जेल जाने से बचने की तकनीक है। नहीं ये तो तूने अगर अगर मेरे को डीएम आया, मैंने किसी को डीएम भेजा कि इस ये लिंक है इस पे डिक पिक है, तो अगर उसने खोला तो उसका कंसेंट है ना उस पे। अभी लोगों को एक चीज और लगती है ना कि स्नैपचैट भाई ये क्या लिंक भेज दिया लक्ष्य भाई, क्या भेजा? अरे बढ़िया है ये वाला, ये वही गे वेबसाइट से भेजा आपने? अरे भाई कुछ भी यार मैं क्या बोल रहा था, मैंने कहा बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि स्नैपचैट या वैनिश मोड वगैरह रिकॉर्ड नहीं हो सकते, मैंने कहा कोई एलगाटो लगा ले अपने फोन में तो सब। हाँ हाँ भाई डिजिटली करना ही नहीं चाहिए सब यार, भाई एलगाटो का यार दूसरे फोन से रिकॉर्ड कर ले। हाँ दूसरे फोन से फोटो ले लिया उसमें थोड़ी आएगा स्नैपचैट पे, टेक्नोलॉजी तो बहुत लूपहोल्स है। कितने लोग थे यार अपने लाइफ में नहीं रहे, कितने सारे लोग जो शो ऑफ करते हैं कि ये देख न्यूड ये देख। अरे 9th-10th क्लास के बच्चे मेरी सोसाइटी में सब करते हैं भाई, मैंने उनको समझाने की कोशिश की बट फिर वही लगता है 9th के बच्चे को तुम क्या समझा दोगे। कहता ऐसी ऐसी बातें बताते हैं कि भैया हमारी क्लास में इतनी लड़कियां हैं उनमें से इतनी की फोटोज तो हमारे ग्रुप पे, तो मैंने कहा भाई इससे मिल क्या जाता है। तूने क्या बोला मिल क्या जाते हैं? मैंने कहा इससे क्या मिल जाता है भाई। अच्छा मिल क्या जाता है बोला तूने
मिल के नहीं आते भाई। मुझे लगा तू क्या बोल रहा है यार लक्ष्य यार। भाई साहिल तू 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 तो जेंजी है ना यार। मतलब 1999 दिसंबर जेंजी है क्या? हाँ काइंड ऑफ जेंजी आई थिंक 2000 के अराउंड सब जेंजी है भाई। मुझे बड़ा अजीब लग रहा है जेंजी जहाँ जा रही है ना अभी। मैं कल ही इस बारे में सोच रहा था लक्ष्य कि देख जो हमसे पिछली जनरेशन थी ना जो हमारे नाना और वो सब की थी वो लोग बहुत यंग एज में दे वर हैविंग सेक्स एंड किड्स राइट। रिग्रेसिव थे वो लोग इसलिए कर रहे थे वो जो भी था। एंड अभी जो अब जेंजी और नेक्स्ट जनरेशन आ रही है वो भी यही कर रहे हैं जल्दी जल्दी वो सेक्स कर ले रहे हैं सब कर ले रहे हैं राइट। एक हम ही चुत गए भाई बीच में यार। लेकिन मेरे को पता है क्या लगता है कि जो ये टिंडर और ये जो हुकअप वुकअप वाला ज्यादा सीन है ना, इससे इमोशनली फकअप तो बहुत होता है इंसान। ऑफ कोर्स है ना, मतलब वो बाद में उसके लाइफ में स्टेबिलिटी आनी बहुत बहुत मुश्किल है। ऑफ कोर्स वैलिडेशन उसको मिल गया वो सब चीजों का उसको चल गया उस रास्ते में तो उसको हॉलो फील होगा हमेशा। ऐसे लगेगा कि कोई डीप बट आई थिंक ऐसा भी हो जाता है ना कि एक टाइम के बाद बोर हो जाता है आदमी ये सब करके एंड देन दे फाइंड अ पर्सन फॉर समथिंग लॉन्ग टर्म। अरे तो मेरी बात हो रही है भाई? नहीं सही है ऐसे तो बहुत लोग हैं सबने तो मचाई है एक ना एक टाइम पे। मेरे को ये लगता है एक बार जब अटेंशन एकदम से मिलने शुरू होती है ना भाई, हर कोई थोड़ा गलत रास्ते पे लगना शुरू होता है। बट बहुत अच्छा है जितना पहले रियलाइज कर लो ना कि इस सब में कुछ नहीं रखा। और रखा है यार थोड़ा तो रखा है लेकिन खुशी लॉन्ग टर्म नहीं मिलेगी उससे ये भी है। अरे शॉर्ट टर्म भी नहीं है भाई, थोड़े टाइम बाद तो बस ईगो सेटिस्फेक्शन है बस। हाँ पर आई फील दैट कभी रिग्रेट्स नहीं होने चाहिए लाइफ में बाद में जाके कि यार तब किया नहीं हमने ज्यादा वी डिडंट एक्सप्लोर वी डिडंट फक अराउंड। तो एक बार कर लो तुम एक साल चले जाओ सब लोग हो फेज में डेटिंग ऐप पे जाओ सब करो एक साल और तुम खुद इससे बोर हो जाओगे फिर तुम्हें लगेगा रहेगा कि भाई हमने कर लिया जब करना था उसमें हमें कुछ मजा आया नहीं। लेकिन वही है उसमें फिर बहुत कॉम्प्लिकेशंस है भाई उसके अंदर फिर। ब्रो ये तो अपन बहुत ही लाइक 1% की बात कर रहे हैं, ऑप्शन का प्रॉब्लम थोड़ी है भाई। हाँ आई मीन वो तो अलग इशू है। क्या मतलब इतने ये देखे घटोत्कच हंस रहे, तेरे को क्या लगता है इसने ट्राई नहीं किया? हाँ पर आजकल आ गए हैं बहुत सारे डेटिंग ऐप्स यार। मैं डेटिंग ऐप पे तो कभी नहीं गया, मेरे को थोड़ा ऐसा लगता है यार बहचो ऑनलाइन कोई बंदा तुम्हें किसी ऐप पे मिले उस पे तुम कैसे ट्रस्ट कर सकते हो। हाँ पर तुझे कौन सा उसके साथ एफडी बनानी है? नहीं भाई मेरे को तो ऐसा लगता है भाई कोई मिल रहा है बेंच वो कुछ रिकॉर्ड कर रहा है वो कोई वॉइस नोट रिकॉर्ड कर मेरी गांड फटी रहती है भाई किसे मिल रहा भाई। यार आप बहुत ही पैरानॉइड हो यार। बहुत पैरानॉइड है यार लक्ष्य। तू एक काम करना तू रिकॉर्ड कर ले अगर अपने एंड से सब। भाई भाई वो जो आपने वो मुंजल का भी बताया ना वो आप ही डाल दो स्क्रीनशॉट। हां ट्वीट कर दो। मुझे लगता है लक्ष्य ने कुछ तो घमासान किया है अपनी लाइफ में खतरनाक जो वो चाहता नहीं है कि बाहर आए यार। नहीं पता क्या हुआ, मेरे एक दो दोस्त थे जो पहले सेम कम्युनिटी में थे, मतलब छोटे यूट्यूबर्स थे और पहले मैं बहुत खुल के ऐसे जैसे तुम्हारे साथ बात कर रहा हूँ स्पेस में तो ये तो पता ही है चलो रिकॉर्ड हो रहा होगा, बट डिस्कॉर्ड पे कॉल वॉल पे बात हुई भैंस उन्होंने कुछ टाइम बाद वीडियोस बनाई, मतलब उन बातों में तो ऐसा ही था कि चल मिल गया किसी का रोस्ट करते हैं सब करते हैं, उन्होंने वो सब रिकॉर्डिंग डालनी शुरू कर दी। तब से मैं ऐसा हो गया यार कि किसी पे ट्रस्ट नहीं करना भाई, किसी पे ट्रस्ट नहीं भाई, हम पे कर सकते हो भाई। हाँ भाई हमने तो की है बहुत सारी बात, लेकिन मैं ऐसे रैंडम किसी से भी कॉल वॉल पे ना मैं बहुत ज्यादा कुछ डिस्कस करता नहीं जब तक मुझे ऐसे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं हो जाता कि हाँ यार ये अपना दोस्त अपना भाई है कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो गंदी बातें करता है लक्ष्य फिर गंदी बातें करता हूँ भाई। oh अभी लेकिन पिछले एक साल में मैंने नॉनवेज छोड़ दिया, मैंने अल्कोहल छोड़ दिया, मैंने जीरो फीमेल इंटरेक्शन कर दिया, बिल्कुल कुछ नहीं। क्यों यार? मतलब मैंने ब्रह्मचार्य के बारे में काफी कुछ पढ़ लिया ना तो मुझे लगता है कि थोड़े टाइम वो ट्राई करता हूँ। अच्छा मतलब पहले किसी ने बोला मुझे कि फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन करनी है तो ब्रह्मचार्य जरूरी है, मैंने कहा ठीक है भाई वो ट्राई करते हैं। यहाँ गडोत कच भी कर रहा है पिछले 20 साल से। क्या भाई शादी हो गई अपनी? अरे शादी हो गया सॉरी भाई गडोत कच भाई, मतलब यू आर जस्ट एन एग्जांपल यार बट एस आई एम श्योर मेनी पीपल आर डूइंग।
बट उससे होता है कुछ? मुझे लगता है कि नो फैप है ना बेसिकली ये। हाँ मतलब मुझे पोर्न देखे तो भाई हो गए 1.5-2 साल हो गए पोर्न देखे तो। क्या बात कर रहा है ब्रो। हाँ नहीं मैंने कोई वेबसाइट इंटेंशनली कुछ नहीं खोली, ऐसा कुछ सर्च करने की कोशिश नहीं की, और मतलब देखा तो है ही नहीं मतलब कभी कुछ इंटेंशनली। यार मेरे को तो सच में एक टाइम तो ऐसा आ गया कि मेरे को पोर्न से फर्क भी नहीं पड़ता। आई थिंक एक डॉक्टर का नंबर देता हूँ मैं तेरे ऑल्सो भाई 1.5-2 साल नहीं अभी बस 1 ही महीना हुआ, कुल्हड़ पिज्जा तो देखा ना आपने। भाई मैं बोलने वाला था यार। इंटेंशनली की बात कर रहा हूँ ना मैं, मतलब किसी ने भेज दिया। और एक वो होता ना कि देखना किसी चीज को न्यूज की तरह और दूसरा उसको एंजॉय करना, दोनों में फर्क है ना। तो बट डोंट यू फील हॉर्नी ऑल द टाइम बाय दैट? यार नहीं मैं एक चीज देखी, अगर मन में ठान लो ना कि भाई, और मेरे को किसी ने भी बताया था कि डेली ना हनुमान चालीसा एक बार पढ़ो तो फिर तो बिल्कुल भी आपका कुछ मन ऐसा मन शांत नहीं करते हैं। रहता। करेक्ट। सो यू हैव फेल्ट एनी पॉजिटिव चेंजेस इन योर माइंडसेट बाय दिस? हाँ यार मेरे को ऐसा लगता है मेरे दिन में 24 घंटे की जगह 48 घंटे हैं, मेरा दिन इतना बड़ा रहता है और मैं 3 घंटे फोन चलाता हूँ बस। कितना कितना पॉन देख रहे थे यार फिर यूजुअली भाई? नहीं मेरे को ऐसा लगता था यार ऐसे लोगों से बात करना फालतू में, और ऐसे इंस्टाग्राम पे देखना भाई कोई हॉट लड़की है क्या कोई, और ये सब, और उसके बाद फिर बातचीत करना किसी से भी, किसी से भी रिलेटेड, और ये फोन देखना, दारू करना, दारू पीना, पार्टी करना, इस सब में टाइम तो यार वेस्ट होता ही है, बहुत टाइम वेस्ट होता है इस सब में। और अगर आप किसी से Okay. मिलने का प्लान बना लो तो आपका पूरा दिन वेस्ट होता है उसके बाद। पर मैंने वो आई थिंक बैलेंस इज इम्पोर्टेंट ना। ऐसे कट ऑफ कर देना कम कम्प्लीटली आई डोंट नो, मुझे लगता है वो थोड़ा मुश्किल अप्रोच लगता है मुझे अपने लिए। मैंने भी ट्राई किया है वो चीज़, पर फॉर मी मॉडरेशन ऑलवेज वर्क्स। कि भाई ठीक है, हफ्ते में एक दिन खा लिया जंक, 4-5 दिन अच्छा से खाया, एक दिन नहीं किया वर्कआउट, एक यार दिन हमारी बुद्धि ऐसी है ना कि अगर इसको स्ट्रिक्टली कुछ बोलो ना भाई ये तो रोज करने लगती है। वही है। सबका अपना अपना है ना। साहिल काल ने, जैसे साहिल है यहाँ पे अपना मेरा भाई, तो इसने भी अल्कोहल ये सब छोड़ दिया। ये बहुत पीता था पहले, एक दिन रैंडमली इसने डिसाइड किया कि अब से मैं नहीं पीऊंगा, एंड देन ही जस्ट बिकेम सोबर, नॉट इवन लाइक अ ड्रिंक, नथिंग। कितना टाइम हो गया अभी साहिल? अभी 19 मंथ्स। 19 months, दे यू गो ब्रो। बढ़िया यार बढ़िया। मैं तो कभी ऐसे कंज्यूम करता भी नहीं था इतनी बड़ी क्वांटिटी में, बस एक बार ऐसे हुआ कि बस नहीं करनी तो बस नहीं करनी, फिर छोड़ ही दी बिल्कुल। वो देख लिया क्या तूने? वो बंदा आज हमने हमारे सपाटे। हाँ अंकित, अंकित बैयनपुरिया। अरे भाई बातचीत होती है यार, वो तो बड़ा सीधा बंदा है यार। भाई बड़ा सही बंदा है भाई, आजकल आते रहता है। एक वॉचमैन भी आ रहा है आजकल मेरे उस पे। अरे अरे वो भाई वो रंडी रोने वाली रील्स बनाता है वो रोज ये क्या बात हुई भाई। कि गरीब का कोई नहीं होता ये वो, और आज सुबह हाँ 6 बजे उठ गए ड्यूटी के लिए, वही ना वो तख्त पे सोता है वो एक जगह। हाँ पर उसकी जिंदगी ही वो है यार, यार वो बस देखो मैं व्लॉग आज बना रहा एक है वो। बड़ी बहुत डार्क बात बताऊंगा, उसके बाद मैं हमेशा के लिए कैंसिल होने के लिए तैयार हूँ। देखो मैं गरीब को कभी भीख नहीं देता, मैं गरीब की कोई हेल्प नहीं करता कभी भी, क्योंकि देखो भगवान ने हमें वेल टू डू बनाया है क्योंकि हमने शायद ऐसे कर्म करे थे और भगवान ने हमें चूज किया है कि इस लाइफ में हम अच्छा कमा लेंगे। गरीब ने खराब कर्म करे थे, वो गरीब भगवान ने बनाया उसको सफर करने के लिए। तो अगर तुम गरीब की हेल्प करने जा रहे हो इसका मतलब तुम भगवान की विश के अगेंस्ट जा रहे हो, तो फिर भगवान तुम्हारा भी अच्छा नहीं करेगा। ये तो मैं तो इसलिए कास्ट सिस्टम के लिए भी बोल सकता है आदमी फिर तो। ये तो बहुत पिछड़ी सोच है मेरे को लगता है भाई। भाई ये 2023 वाली सोच है भाई एग्जैक्ट। और देखो क्या अगर बात। मैंने गरीब को 100 रुपए दिए, उसने ड्रग्स कर ली, वो मर गया, तो उसके मरने का तो पाप मेरे ऊपर आ जाएगा ना। देवेश दीक्षित करके कॉमेडियन है, उसका जोक है इस पे, कहता है कि गरीब, अगर हम गरीबों को सोबर रखना क्यों चाहते हैं, लेकिन मजे करें वो जाके कम करें। पर नो यार, आई लक्ष्य भाई, आई आई डोंट नो, आई डिसएग्री। आई फील कि भाई वी आर जस्ट लकी। इट इज लाइक टू यू नो, यू एंड आई कुड वी कुड हैव बोथ बीन देयर, एंड हम जस्ट लकी हो गए भाई कि हम फिर भी सही। उस सिचुएशन से निकल आता है यार, गरीब साला निकलना ही नहीं चाहता भाई वहां से।
कुछ लोग ऐसे नहीं हो पाता है यार, उनको पता ही नहीं कि क्या करें, बहुत हेल्पलेस लोग होते हैं यार लाइफ में यार, उनके जिंदगी में ऐसा होता है कभी मजबूरियां इतनी होती हैं, उनको ना कंप्यूटर नहीं चलाना आता, फ़ोन नहीं चलाना आता, टेक्नोलॉजी नहीं आती, सीखने के पैसे नहीं, टाइम नहीं, घर पे बीवी बच्चे हैं, शादी हो गई एंगेज में, कुछ करने को ही नहीं मिला, अभी ऑटो चला रहा है आदमी, दिन भर लगा पड़ा है, मेहनत कर रहा है भाई। लेकिन एक बात सुनो ना, देखो हम 24-25 साल की उम्र में हैं, लेकिन आज भी हमारी शादी से गांठ फट रही है क्योंकि हम जिम्मेदारी नहीं उठा सकते, हमें लगता है शायद अभी भी इनफ नहीं है हमारे पास। बट गरीब कैसे शादी कर ले रहा है भाई? क्योंकि गरीब का सोशल इकोनॉमिक सिचुएशन ऐसा है कि उसके यहाँ पे बीवी आएगी घर पे तो खाना बनाएगी, नहीं बच्चों का ध्यान उसको रखेगी, सेक्स चाहिए माँ बाप का ध्यान रखेगी, उसको सेक्स चाहिए होता तो वो तो नहीं जा सकता भाई, वो पैसे लगते हैं वहां जहाँ तुम बोलने वाले हो। नहीं सस्ते वाले भी है मेरे पास कॉन्टेक्ट, 30-40 रुपए में भी हो जाता वो सब, बट आई थिंक इट्स मोर देन दैट ब्रो, आई थिंक इट इज दैट द कंडीशन इज सच दैट You can't apply. ये थोड़ा अपन privileged point of view से बात कर रहे हैं कि अच्छा यार... मैं बताता हूँ, मेरे घर पे एक बहुत पहले 2-2.5 साल पहले एक लड़का काम करता था मेरे होम टाउन में। उस लड़के का एक पैर थोड़ा खराब था और वो इसलिए काम करता था जबरदस्ती, मतलब उसको हम काम पे रखना भी नहीं चाहते थे, बट उसने जबरदस्ती बोला कि मेरे को पैसे चाहिए तो इसलिए आप रख लो कुछ भी काम बता देना ये वो। तो वो थोड़ा बहुत ऐसे ही गेट पे बैठा रहता था बस, एक तरीके से वॉचमैन था वो। तो उसका जो बड़ा भाई था वो इसलिए काम करता क्योंकि उसका बड़ा भाई था, उसने एक शादी की थी पहले, उसको सिर्फ 2 लड़कियां लड़के हुई थी, डॉक्टर ने बोल दिया था अब इसको बच्चे नहीं हो सकते, फिर उसने दूसरी शादी की क्योंकि उसको लड़का चाहिए था। तो वो इतना गरीब घर में वो बंदा वो 2 शादी कर रहा है सिर्फ क्योंकि उसको लड़का चाहिए, और उसकी दोनों वाइफ के और बच्चों के खर्चे निकालने के लिए उसका छोटा भाई जो पैरालाइज्ड है, हाफ पैरालाइज्ड है, थोड़ा ही उसका पैर थोड़ा सा खराब था, वो जबरदस्ती लोगों से रिक्वेस्ट कर करके जॉब कर रहा है। तो देखो यार कि अब बताओ उसकी कोई मजबूरी थोड़ी थी उसके बड़े भाई की। तो एक एग्जांपल लेके तो सब गरीबों के पेट पे लात थोड़ी मार सकता है कि भाई मेरे घर पे वॉचमैन था बहन जो अब तुम्हारी गांड मारूंगा मैं, ये थोड़ी है यार, ऐसे तो कुछ एक पर्सन का एग्जांपल लेके तो कुछ भी नहीं हो सकता ना यार। बट अगर तू जनरली देखेगा किसी गरीब से बात करिए तूने कभी लक्ष्य भाई करिए भाई गंदी बातें करते हैं भाई। अरे यार नहीं यार लक्ष्य भाई, मुझे लगता है कि हम लोग, दिस इज माय ओपिनियन, आई मीन इट कैन योर्स कैन बी डिफरेंट, बट मुझे लगता है मैं बहुत लकी हूँ भाई इस, मैं इस, क्योंकि मेरा कोई कंट्रोल नहीं था इस घर में पैदा होना, जहाँ पे मेरे पास खाने के पैसे हो, जहाँ पे मेरे पास अच्छा स्कूल हो, मेरे पास कोई पैसा ना, मेरे पास उस पर कोई चॉइस नहीं था, वो अपने आप हो गया नेचुरली बाय लक, उसको प्रिविलेज बोलते हैं कि भाई आई एम दिस मच प्रिविलेज। कुछ लोग होते हैं वो सीधे भैंसोद यू नो करण जौहर के घर पे पैदा हो गए, आई मीन करण जौहर के यहाँ तो पैदा नहीं हो सकते, बट सडनली कोई किसी बड़े एक्टर रणबीर कपूर के यहाँ पैदा हो गया, तो अब उसके घर में इतना प्रिविलेज है, तो वो फिर वो उसका आई थिंक थोड़ा सा बनता है यार कि सोसाइटी के लिए कुछ तो करे वो। और लक्ष्य भाई टाइम भी तो सबका खराब आ सकता है ना। ऐसा बट बेसिकली व्हाट यू आर सेइंग दैट वी हैव डन समथिंग इन द पास्ट लाइफ, आई थिंक दैट दैट लुक वो बहुत ही प्रिविलेज तरीका है जीने का, फिर ऐसे तो गरीबों को मर जाना चाहिए, रिस्टार्ट करें लाइफ। मैं तो कह रहा हूँ एक बार ट्राई तो करना चाहिए भाई। सबसे इजी ऑप्शन तो वही है। आई थिंक अगर गरीब लोग बहुत कुछ करते हैं यार जो हमारे जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है यार, हमारे सारे कितना कुछ करते हैं वो लोग यार, इफ यू थिंक अबाउट इट, फ्रॉम द स्मॉलेस्ट फार्मर्स टू द गरीब का यार रिक्शा चलाने वाले, नहीं मतलब कई सारे यार, बहुत सारे फार्मर, मतलब फार्मर्स तो कई गरीब होते हैं यार, फार्मर्स के तो जिनका लैंड होता है वो अलग आदमी रहता है, जो वहाँ पे एक्चुअली खेती बाड़ी कर रहा है, जो पूरा साल मेहनत करके, वो कितने सुसाइड करते हैं फार्मर लोग यार, कितने गरीबी में रहते हैं वो लोग, उनके पास थोड़ी होता है, वो तो बहुत कम लोग लैंडलॉर्ड्स होते हैं उन लोग कमाते हैं, तो वही है भाई दुनिया में लोगों के पास है बहुत प्रॉब्लम्स, 80% ऑफ द पीपल हैव प्रॉब्लम्स, अपने देश में तो कितने लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है भाई, तो अगर वो लोग करेंगे नहीं, अगर वो लोग कुछ नहीं, इफ यू आर सेइंग दैट दे शुड जस्ट डाई देन द होल इकोनॉमी क्रैशेस, वी ऑल डाई डूड, इफ देयर इज नो फार्मर देयर इज यू नो, कितने सारे सोल्जर्स हैं भाई जिनके पास, जो मजबूरी में सोल्जर बनते हैं, जो जिन लोगों की वजह से हम लोग ये बातें कर पा रहे हैं अभी बैठ के, लाइक
इसलिए बोलते ना वो जय जवान जय किसान, दिस इज व्हाई दे से इट नो ब्रो, बिकॉज़ एनीबॉडी लाइक वेरी फ्यू देयर आर पीपल हु हैव हु आर फ्रॉम गुड बैकग्राउंड्स हु गो टू आर्मी बिकॉज़ दे हैव द पैशन फॉर इट, बट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर हु डोंट हैव द मनी एंड हु यू नो एवरीवन हु डाइज इन द वॉर्स आर द पीपल इन द फ्रंट आर ऑल स्मॉल घर के बेटे रहते हैं यार वो लोग. तो आई थिंक एक गलत तरीका देखने का, एंड वी शुड ट्राई आवर बेस्ट जितना भी हो सके हेल्प करके भाई. लक्ष्य भाई तभी तो अच्छे कर्म कमाएंगे नेक्स्ट टाइम के लिए. तो मेरे रहने के प्लस 3000 हो गए इंस्टाग्राम पे. नहीं नहीं भाई मैं जेन्युइन लाइक, अभी तो इसमें क्या बात है भाई कहने की, पर मुझे ऐसा लगता है, मुझे तो लगता है तू भी ऐसे बकचोदी के लिए बोल रहा है हीरो, यू आल्सो डोंट बिलीव इन व्हाट यू जस्ट सेड. यार मैं देखो उनकी हेल्प कर देता हूं जो कुछ करना चाहते हैं, जो काम कर रहे हैं. जैसे मेरी सोसाइटी में गार्ड है, मैं उसको बहुत जितना रोज हमारे यहाँ खाना बनता है मैं रोज दे के आता हूँ उसको, क्योंकि वो कुछ करना चाह रहा है. मैं भिखारियों के तो भाई बिल्कुल अगेंस्ट हूँ, मुझे ना दया आती ना मैं भीख देता, और ना मैं कभी उनसे बात करने की कोशिश की, ना मैं समझना चाहता भाई वो क्या थे. मतलब जो जिस आदमी ने दोनों हाथ पैर जवानी होते हुए भीख मांगना चूज किया है भाई, मेरे अंदर उसके लिए कोई सिंपैथी नहीं है. हाँ वो मैं भी मानता हूँ, अगर तुम्हारे जैसे जवान हो, अगर तुम्हारे हाथ पैर चल रहे हैं तो तुम भीख मांग रहे हो तो मैं भी नहीं देता. पर एक आध बार आ जाता है कोई बुढ़ी आंटी आ जाती है एकदम रेंगते रेंगते उसके, तो फिर मेरे को दया आ जाती है. अरे बहुत बड़े होते हैं. एक रील थी वायरल वो देखी थी, एक बुढ़ा खाली व्हील चेयर लेके चल रहा था पानी में, गहरे पानी में, तो एक बंदे ने वीडियो बनाई हुई थी, कह रहा जो इस व्हील चेयर पे बैठता हूँ पीछे भागा हुआ आ रहा है. तो बस वो वही मैं कह रहा हूँ ना, ऐसे एक गलत एग्जांपल को देख के तू सबकी गांड थोड़ी मार सकता है भाई. ऐसे तो हर जगह रहते हैं ना यार लोग, एक आध गांडू तो रहता ही हर जगह यार. नहीं जैसे कितने हमारे सारे काम वाली आंटी आती हैं, सब आते हैं, मैं उनके लिए कर देता हूँ ना कुछ चाहिए. कई बार वो एडवांस ले जाती हैं, कई बार कुछ ऐसे मांग लेती है खाने पीने का, या मैं उनको बोला भी हुआ है कि कुछ जिस दिन कुछ ऐसा स्पेशल बनता आप ले जाया करो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है. तो लेकिन यार जो भैंस करना ही नहीं चाह रहा जो बंदा, उसको तो देने का मन ही नहीं करता मेरा. हाँ वो तो है, जो 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 कर सकता है और नहीं कर रहा है वो तो मेरे को भी उसके लिए कुछ है नहीं. बट डू यू एक्चुअली बिलीव दैट वी आर हियर बिकॉज ऑफ व्हाट वी हैव डन इन द पास्ट लाइफ? हाँ यार मतलब मैं तो बहुत बिलीव करता हूँ. मैं यार मैं ना थोड़ा नास्तिक टाइप था एक साल पहले तक, बट अब इस साल तो मैं बहुत कुछ पढ़ने लगा, बहुत कुछ देखने लगा, काफी कुछ रियलाइज किया मैंने. तो ऐसा होता है यार कि हमने देखो, और ये भी हो गया कि पहले लोग कहते थे ना कि अगले जन्म में जाके भोगेगा, अब अगला जन्म तो होता ही नहीं भाई. अब तो भैं जो कर्मा इसी इसी जन एक सेम डेकेड में मिलता है भाई, 10 साल के अंदर. अगले 10 साल में लक्ष्य भाई फुटपाथ पे मिलेंगे भीख मांगते हुए, जिस तरह के ओपिनियन है लक्ष्य भाई के. नहीं यार सच में यार भिखारी के लिए सिंपैथी नहीं है, जो कोई कुछ करना चाहता है भाई उसके लिए बिल्कुल है. जैसे अंकित है, अंकित बयानपुरिया जो करके है बंदा, इसकी जो कास्ट है वो कुम्हार है. जो बंदे अगर मैं नहीं गलत हूँ तो जितना मैंने अब तक पता किया है, जो बर्तन बर्तन मिट्टी के सब बनाते हैं, और ये लड़का बहुत ही मतलब बहुत ही स्ट्रगल वाली फैमिली से है. मतलब बहुत ही जिसके पापा मजदूरी करते हैं 500 रुपये दिन के हिसाब से, और इस बंदे ने अगर मेहनत करके भाई ये सब कर लिया, मतलब एक लगन ही तो थी. और ये सिर्फ ये नहीं कि 75 हार्ड डे चैलेंज से चला है बंदा भाई, इसने 3 साल से कर रहा है ये सब की बचपन से बॉडी तो बना ही रहा है, बट 3 साल से सब कर रहा है चैलेंजेस, ये वो फलाना ढिमकाना, अलग अलग रेसलिंग के लिए प्रिपेयर कर रहा है, अखाड़े में जाता है, सब कुछ करता है. तो इसका भी तो दिन आया ना, क्योंकि ये मेहनत कर रहा था. तो अगर आप जो मेहनत ही करना नहीं चाहोगे, आप इस पे खड़े हो गए, ये सिग्नल पे खड़े हो गए, मैं जो मेरे बच्चे भूखे हैं आटा लाना है ये वो. एक बंदा है हमारे सामने सिग्नल पड़ता है मेरी सोसाइटी के जस्ट बाहर, साले की सेम ही स्क्रिप्ट है हर बार, सेम ही स्क्रिप्ट है उसकी, मेरे बच्चे भूखे आटा चाहिए आटा चाहिए. एक दिन मैंने बोल ही दिया मैं भैंस तो आटा आया नहीं अब तक घर पे. तो यार उनके लिए तो क्या ही सिंपैथी यार, अच्छा खासा बंदा है वो क्या नहीं कर सकता यार. अगर अच्छा खासा बंदा है तो करना चाहिए उसको, पर अगर मैं मेरे को उनके लिए होता है जो लोग कर नहीं पाते, जो लोग ऐसे मिलते हैं यार बहुत. अभी मुंबई में देखना तू जाएगा कोई स्टेशन पे, दे डोंट हैव लिम्ब्स, दे आर ऑन द फ्लोर, वो उस पे आ रहे होते हैं, वो स्केटबोर्ड स्केटबोर्ड नहीं, वो क्या बोलते हैं उसको, स्केटबोर्ड नहीं सॉरी क्या होता है. उनमें से यार एक चीज बताऊं, इनमें से भी जो बूढ़े बंदे अभी भीख मांग रहे हैं, इनमें से 90% ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी जवानी में कुछ नहीं करना चाहा, मतलब कुछ भी नहीं करना चाहा. आपने अपनी जवानी अपना अच्छा टाइम आपने वेस्ट कर दिया जब आप कुछ कर सकते थे. यार ऐसा बोला जाता है जिस इंसान ने साले ने अपनी एक जिंदगी अपना एक घर नहीं बनाया ना, अपनी एक जिंदगी में अपना एक घर नहीं, उसने अपनी लाइफ में कुछ नहीं किया.
मेरे को ऐसा लगता है कि देख कोई जानबूझ के तो गरीब नहीं रहना चाहता ना, कि बहन चो मैं चाहता हूँ कि मेरे जिंदगी के लौड़े लग जाए, मैं फुटपाथ पे सो जाऊँ, कोई नहीं चाहता ये। तो आई एम श्योर फॉर एवरी वन पर्सन हु इज हु वॉज जस्ट लेजी, देर आर एटलीस्ट 10 पीपल हु ट्राइड देयर बेस्ट बट दे फेल्ड और दे वर रिमूव्ड बाय देयर पेरेंट बाय देयर चिल्ड्रेन। कितने सारे स्टोरी देखते हैं यार हम लोग, किसी कोई अरे बुढ़ी आंटी ये जो होती है बुड्ढे जिसको इनको बेट। धक्का मार के निकालते हैं ना इनके घर वाले, ये भी कम नहीं होते साले। ये बुड्ढे भी तो सुबह शाम उंगली करते हैं भाई। अरे बट वही मैं कह रहा हूँ ना कि जाए भाई बुढ़ा आदमी एक छोटे भाई, तेरी तेरी एम्पैथी नहीं है क्या यार लक्ष्य यार? तो कह रहा हूँ बुढ़ापे में भी आदमी बच्चा ऐसा ही बन जाता है ना यार, कि हो जाते हैं इश्यूज यार बुढ़ापे में। मेरी मेरी नानी भूलने लग गई थी चीजें यार, उनको भाई याद ही नहीं दो रहता घर था। मैं बनाओ क्या ना, एक में खुद अपनी बकचोदी करो, एक में बच्चे रहेंगे। भाई, पर जब हम छोटे थे, जब हम हगते थे रस्ते बेड के ऊपर नानी के ऊपर, जब हम मुंह देते थे, तब वो भी तो हमारा ध्यान रखती थी, या वो बोलती थी इसको फेंक दो भोसडी वाले को अगले घर में। यार तो तो हम क्यूट सर्कल ऑफ क्यूट थे लाइफ ना, ही तो वो है। बुड्ढा बुड्ढा बहन का लौड़ा क्यूट नहीं होता ना। अरे क्यूट की बात थोड़ी है, बट वही तो सर्कल ऑफ लाइफ है ना, एक दिन सब लोग को सब लोग डिपेंडेबल हो जाते हैं भाई दूसरे पे बचपन में और बुढ़ापे में। तो वही मैं कह रहा हूँ कि फॉर एवरी जो तू कह रहा है वो ठीक है, वो भी करेक्ट पॉइंट है कि अगर तुम कर सकते हो काबिल हो तो क्यों भीख मांग रहे हो। पर वैसे हर एक आदमी के लिए 10 लोग हैं जिनने करी कोशिश पूरी लाइफ और नहीं हो पाया उनसे। तो इसलिए मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मैं रास्ते में किसी भिखारी को अगर 10 रुपये दे रहा हूँ, जो मेरे को लग रहा है कि भाई इस गलत कंडीशन में है, चलो 10 में से 3 बार अगर मैंने गलत आदमी को दे दिया, लेकिन कम से कम 7 बार तो मैं एक मजबूर को दूंगा, और मेरा क्या जाएगा 100 रुपये दे के यार, क्योंकि वो अब दिया है ऊपर वाले ने इतना ऐसा। यार बात ये है ना साले की आदत खराब होती है ना। एक बात बताओ, एक ही जगह सेम ही सिग्नल पे भिखारियों की इतनी भीड़ क्यों होती है? क्योंकि क्योंकि उनको इनको, और कुछ पता नहीं है रास्ता कमाने का, उनको अरे सब कई लोगों पता को है इन नहीं बहन पता। के लोगों को। अगर सुबह ठेकेदार के पास जाएं भाई, कहीं कंस्ट्रक्शन की साइट पे जाएं भाई, बिल्कुल काम मिलेगा, मतलब तुरंत काम मिलेगा। और एक बात हाँ बताओ, चलो कोई तो भिखारे ने वो, काबिल लोगों की बात कर रहे हैं, जिनके जो लोग जवान है तो उनकी बात कर रहे हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट द नीडी हु आर रियली ओल्ड एंड हु आर फ्रेल, हु कांट मूव। मतलब बिल्कुल भी बुड्ढे जो हैं बुड्ढे हैं जो छोटे बच्चे से हैं, जिनसे मतलब यार, छोटे बच्चे वाली बात ही मुझे ये समझ नहीं आती ना, कि जब कोई भिखारी है या कोई भिकारन है, बिल्कुल गरीब है, उसको सेक्स का कहाँ से समझ आ गया भाई? क्योंकि मत कर उनके ना। तो उनके देखो लगता है कि उस सोशियो इकोनॉमिक सिचुएशन में कंसेंट और ये सब होता भी होगा यार उस सिचुएशन में। इट्स जस्ट वेरी डिफिकल्ट यार, मतलब समझ रहा है। मतलब सुबह आप 200 रुपये उनका मांग के लाए, माइंडसेट भी ऐसा रहता है कि कम से कम बच्चे हो जाएंगे तो कम से कम और 2 कमाने वाले हो जाएंगे। बहुत तरीके, ऐसा थोड़ी ना कोई कर रहा है कि भाई मजे आ जाए मेरे को, अभी डॉगी स्टाइल कर लूँ मैं रास्ते पे मजा आ जाए, वैसे थोड़ी ना कर रहे हैं गरीब वो लोग सेक्स यार। वो लोग मजबूरी में सेक्स कर रहे हैं कि यार कुछ लोग। मैं तो क्या करता हूँ, जैसे मैं छोटे बच्चे जब भी होते हैं ना, मैं खार स्टेशन में जब भी अपना शो करके आता हूँ, तो मैं छोटे बच्चे को कभी पैसा नहीं देता हूँ, मैं उनको हमेशा मैं उनको खाना खिला देता हूँ कि भाई तुम्हारा डिनर मैं करा दूंगा, तुम्हें ट्रिपल चिकन राइस खिला दूंगा मैं। तो एटलीस्ट दैट वे आई नो कि चले जो भी हो, चलो खाना तो ऐसा तो नहीं हुआ कि उन्होंने कुछ गलत कर लिया इससे, राइट? यार ये पर्स वर्स मारते हैं फिर। और एक क्या ना, मैंने देखा है कि जब हमारे स्टूडियो का काम चल रहा था ना, और ये जितने भी हमारे यहाँ मिस्त्री वगैरह लगे हुए थे, लेबर लगी हुई थी, इनको उस दिन जैसे शाम को इनको पेमेंट करना है, हमें 500-600 रुपये कर दिया हमने तो ठीक है। कई बार जो जिस जिसको भी हमने कभी अगले दिन का एडवांस दिया ना, वो बहनचो अगले ही दिन गायब हो गया। मतलब अगले एक एक बंदा था, एक वो बंदा आया, कहता भैया जब तक आपका यहाँ फ्लैट में ना, हमारा सिर्फ 2 फ्लैट के बीच आना जाना था, कभी हम इसमें रुक रहे थे कभी उसमें, तो उसमें तो हमारे पास कुक था, इसमें नहीं था। तो उस बंदे ने कहा भैया मैं ना कुकिंग भी कर लूंगा एक टाइम, और आप मेरे को रख लो, मेरी कंडीशन बहुत खराब है ये वो। भाई वो रो गया मेरे सामने, कहता मुझे आप 5,000 रुपये दे दो और मैं रुक जाऊंगा आपके यहाँ 15 दिन। मैंने उसको दे दिए, वो बहन का लौड़ा अगले दिन ही गायब हो गया।